अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने जा रही है तमाम छोटे क्रिएटर्स के लिए। जिनका चैनल सर्च में नहीं आता, वो इस वीडियो को देखने के बाद मैं गारंटी देता हूँ कि उनका चैनल सर्च में ज़रूर आएगा। ठीक है, इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ, अगर आप जो मेरे बताए गए स्टेप्स को फॉलो कर लेते हैं। ठीक है, सारे स्टेप्स मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कि किस तरह से आप अपना चैनल जो है वो सर्च के अंदर ला सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको लाइव जो है वो अपने ब्राउज़र में लेकर जाता हूँ, वहाँ पे आपको दिखाता हूँ प्रैक्टिकली। तो ये मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं आपको यहाँ पे इनकॉग्निटो मोड पे जाके दिखाता हूँ कि मेरा चैनल सर्च में आता है या नहीं आता, या किस तरह से कौन से नंबर पर आता है। ठीक है, अब देखें, मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ UA Techie। ठीक है, ग्राफिक्स। ठीक है, ये देखें, UA Techie ग्राफिक्स लिखा है मैंने तो नीचे आ गया GRAPHICS। फिर मैं पूरा स्पेलिंग लिखता हूँ, ठीक है, इंटर किया। अब देखिए, मेरा चैनल जो है वो फर्स्ट नंबर पे आया है। बेशक मेरे कोई व्यूज़ आ रहे हैं, नहीं आ रहे, सब्सक्राइबर्स जितने मर्जी हैं, ठीक है, वीडियोस मेरी फर्स्ट पे आ रही हैं, चैनल मेरा फर्स्ट पे आ रहा है। ठीक है, ये देखें, अब देखें, ये सारी वीडियोस मेरी हैं। ठीक है, अगर आप कोई मतलब कि देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर सारी की सारी वीडियोस पड़ी हैं, आप इनको देख सकते हैं। ठीक है, ये दो चार वीडियोस और हैं, बाकी फिर मेरी ये नीचे स्टार्ट हो रही हैं, ये सारी की सारी मेरी वीडियोज़ हैं। ठीक है, मेरे चैनल की हैं। अब ये किस तरह से आ रही हैं, इनके पीछे क्या रॉकेट साइंस है, ठीक है, ये सारा कुछ मैं आपको बताता हूँ। तो पहले चलते हैं अपने चैनल के ऊपर। ठीक है, तो ये मेरा चैनल है, और अब सबसे पहले जो आपने काम करना है, ठीक है, अपने YouTube स्टूडियो के अंदर आना है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, YouTube को आपने ओपन कर लेना है। अगर आपको नहीं पता YouTube स्टूडियो कहाँ पे है, तो यहाँ पे आना है। ठीक है, अगर आप मोबाइल पे यूज़ कर रहे हैं तो मोबाइल पे भी सेम स्टेप है। आपने क्या करना है, गूगल क्रोम को ओपन करके यहाँ पे थ्री डॉट्स वाला जो ऑप्शन होता है उसको क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा डेस्कटॉप मोड का। ठीक है, उसको क्लिक करने के बाद आपके पास सारा कुछ इसी तरह से आएगा। ठीक है, आप सेम टू सेम स्टेप्स जो है वो फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसको क्लिक करके YouTube स्टूडियो के अंदर आ गया। ठीक है, YouTube स्टूडियो के अंदर आएंगे तो आपको सेम टू सेम, ठीक है, यही इंटरफेस मिलेगा। उसके बाद कंटेंट के अगर आप ऊपर आ जाएं, इसको क्लिक करते हैं, ठीक है, तो आपको मेरी सारी की सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। ठीक है, जो मैंने अपलोड की हैं, ठीक है, वही पेज मैंने इधर खोला हुआ है। और पहला काम जो आपने करना है, ठीक है, वो ये है कि सेटिंग्स के अंदर आना है। ठीक है, यहाँ पे चैनल के अंदर, ठीक है, चैनल्स को आप क्लिक करें, और यहाँ पे जो मैंने कीवर्ड्स लगाए हुए हैं, ठीक है, ये होते हैं चैनल टैग्स। ठीक है, चैनल कीवर्ड्स, चैनल को सर्च में लाने में बहुत ज़्यादा अहम किरदार इनका होता है। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या करना है, अपने जो भी मतलब आपका कंटेंट है, जो भी आपका टॉपिक है, ठीक है, जिस चीज़ के रिलेटेड आप वीडियोस बनाते हैं, जिस टॉपिक पर आप वीडियोस बनाते हैं, उस टॉपिक के रिलेटेड आपने यहाँ पे टैग्स लगाने हैं। ठीक है, उसके अलावा अपने चैनल के जो नाम हैं, ठीक है, वो दो तीन जो मतलब के स्पेल मिस्टेक्स लोग करते हैं, ठीक है, UA Techie Graphics, UA Graphics, ठीक है, इस तरह के छोटे छोटे कीवर्ड्स आपने लगाने हैं, दो चार पाँच लगा देने हैं। उसके अलावा फिर अपने कंटेंट से मिलते जुलते, जैसे हाउ टू वीडियोज़ हैं, ठीक है, उसके अलावा टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के रिलेटेड हैं, ऑनलाइन लर्निंग के रिलेटेड हैं, बेसिक कंप्यूटर्स के रिलेटेड हैं। ठीक है, ये सारी जो है ना वो मेरी क्या कहते हैं, वीडियोज़ के रिलेटेड टैग हैं। ठीक है, अब इसको लगाने के बाद आपने क्या करना, सिंपल सेव कर देना है। ठीक है, ये चीज़ अगर आप नहीं लगाएंगे तो चैनल आपका सर्च में नहीं आएगा। ठीक है, ये काम आपने लाजमी कर लेना है। उसके बाद जो दूसरा काम आपने करना है, ठीक है, वो ये कि वीडियोस वाले सेक्शन के अंदर आपने हर वीडियो को एडिट करना है। एडिट किस तरह से, मतलब कि डिटेल्स वाले सेक्शन में जाके, ठीक है, यहाँ पे इसको क्लिक करें, ठीक है, डिटेल्स वाला ऑप्शन मिल रहा है आपको, और यहाँ पे जो आपने यहाँ पे मैं नीचे आता हूँ इधर, ठीक है, इधर तो खैर मैंने अपना नहीं लगाया क्योंकि मेरा ऑलरेडी सर्च में आ रहा है। ठीक है, वो मैंने पिछली काफ़ी सारी वीडियोस में लगाया हुआ है, जैसे मैं कुछ और वीडियो दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, मैं लेटेस्ट वीडियो ही दिखा देता हूँ, इसको देखें, ठीक है, ये देखें UA Techie Graphics। ठीक है, जो भी आपने वीडियो के टैग्स लगाए हुए हैं, ठीक है, ये चीज़ जो है ना ये बता रही है कि ये सर्च में कितने नंबर पर आ रही है।
यू ए टेक के ग्राफिक्स लिखे हैं तो ये वीडियो मेरी इस पहले नंबर पे आएगी, क्योंकि स्ट्रेट टू वाइट बैलेंस लिखे तो 8वें नंबर पे आएगी, ठीक है। तो ये चीज़ बता रही है। अब यहाँ पे आपने अपने चैनल का कीवर्ड लाजमी लगाना है, ठीक है। जो भी वीडियो अपलोड करें उसके अंदर अपने चैनल का कीवर्ड लाजमी लगाना है, ठीक है। जैसे मैंने ये लगाया हुआ है, सही है। उसके बाद जो तीसरा काम आपने करना है वो ये है कि डिस्क्रिप्शन के अंदर, ठीक है, डिस्क्रिप्शन को जब आप लिखे होते हैं उसके अंदर आपने हैशटैग यू ए टेकी ग्राफिक्स, मतलब कि जो मेरा चैनल का नेम है मैंने वो लगाया है, आपने अपने चैनल का नेम जो है वो हैश के साथ लगाना है और विदाउट स्पेसिंग नेम लिखना है, ठीक है। जो भी हैशटैग होता है उसके अंदर स्पेस नहीं लगाते, और जो भी वर्ड स्टार्ट हो रहा होता है उसका पहला लेटर जो है वो कैपिटल लिखते हैं, बाकी स्मॉल लिखते हैं, ठीक है। जैसे यू ए है, यू कैपिटल ए स्मॉल, फिर टेकी है टी कैपिटल, बाकी ई सी एच वाई जो भी है वो सारे स्मॉल, फिर ग्राफिक्स है जी बड़ा बाकी छोटे, ठीक है। इस तरह से आपने हैश टैग लगाना है। ये चीज़ लगी, उसके बाद जो आपका काम होगा वो होगा टाइटल के अंदर जो है वो आपने अपने चैनल का जो नेम लिखना है, ठीक है। मैंने नहीं लिखा क्योंकि मेरा ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वीडियोस के अंदर लिखा हुआ है, अगर आप चेक करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका चैनल सर्च में नहीं आ रहा तो आप ये काम लाजमी कीजिए, आपका चैनल सर्च में आ जाएगा, ठीक है। मतलब जो भी आपकी वीडियो का टाइटल हो वो लिखने के बाद आप इस तरह का साइन लगाएंगे, ठीक है। ये जो इसको पता नहीं इसको क्या कहते हैं, हाइफन कहते हैं शायद, जो भी है, ठीक है। ये लगाने के बाद आप यहाँ पे अपना लिख दें, जैसे मेरा यू ए टेकी ग्राफिक्स है तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा यू ए टेकी ग्राफिक्स, ठीक है। अब इनमें स्पेसेज आपने देनी है, ये नॉर्मल जिस तरह से लिखते हैं उसी तरह से, ठीक है। उसके बाद ये जो मेरे सजेशंस आ रही हैं कि ये वाले कीवर्ड्स आप लगाएं आपकी वीडियो रैंक होगी, तो ये मेरे vidIQ एक्सटेंशन की मदद से आ रहे हैं, ठीक है। मैंने उसका बूस्ट वर्जन जब परचेज़ किया हुआ है, तो अगर आप भी यूज़ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त एक्सटेंशन है और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। तो ये मुझे ये भी इंडिकेट करती है कि आपकी वीडियोज़ के लिए कौन सा टाइम जो है वो सूटेबल है अपलोड करने में, काफ़ी सारी हेल्प हो जाती है, ठीक है। तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं, और इन ट्रिक्स को यूज़ करते हुए आप अपनी वीडियोस को, अपने चैनल को सर्च के अंदर ला सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये आज की ट्रिक वो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपका चैनल 3 दिन के अंदर अंदर या 4 दिन के अंदर सर्च में आ जाए इन ट्रिक्स को यूज़ करते हुए, तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, ठीक है। इस लाइक करने के कोई पैसे नहीं है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह कि इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।